हेलो स्टूडेंट्स, आज भी हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस करेंगे। नाउ यहाँ पर एग्जाम्स करेंगे जहाँ पर लेबर मिक्स नहीं रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट दिया होगा। एग्जाम्स देखो, द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट EXE is 25 units per hour in manufacturing department of a company employing 100 workers. The standard wage rate per labor hour is rupees 6. तो standard output, workers and rate तीनों दिया है। In a 42-hour week, the department produced 1040 units of EXE, despite 5% of the time paid was lost due to an abnormal reason. The hourly wage rate actually paid were rupees 6.20, rupees 6 and rupees 5.70 respectively to 10 workers, 30 workers and 60 workers. तो एक्चुअल में थोड़ा बहुत वेज रेट का डिफरेंस है, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स पर टाइप ऑफ वेज रेट दिया है, और 42 आवर्स एक वीक में काम हुआ है, एंड टोटल प्रोडक्शन और एक्चुअल आउटपुट कितना है ना, 1040 यूनिट्स। ये 1040 यूनिट्स का मतलब क्या है ना, आउटपुट जितना घंटा काम हुआ उनमें से 5% एक्चुअल टाइम जितना लगा उनमें से 5% टाइम लॉस्ट हुआ ड्यू टू एन एबनॉर्मल रीज़न, दैट मींस आइडल टाइम, वो हमको कैलकुलेट करके निकालना है। कंप्यूट रेलिवेंट वेरिएंसेस। देखो प्रॉब्लम सम तो जस्ट 3 लाइन का है, दिखने में बहुत इजी होगा, छोटा प्रॉब्लम, लेकिन जितना छोटा प्रॉब्लम सम होगा उतना ही डिफिकल्ट होता है बेटा, क्योंकि इंफॉर्मेशंस बहुत हिडन रहता है, छुपा रहता है, उन लोगों को हमको निकालना है बाहर। नाउ पहले जो है वर्किंग्स करना है, स्टैंडर्ड मैन आवर्स पर यूनिट। तो we have to find out the standard man hours per unit. It is given 25 units is the standard output when 100 workers work for 1 hour. So we have to find out one unit banane ke liye 100 divided by 24/5, that is 4 आवर्स लेता है, तो उसको ही कहते हैं स्टैंडर्ड मैन आवर्स पर यूनिट। नेक्स्ट हम जाए, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल आउटपुट इज 1040 यूनिट्स, सो मैन आवर्स ऑफ एक्चुअल आउटपुट इज हाउ मच ना, 1040 यूनिट्स इंटू 4 आवर्स, दैट इज 4160 आवर्स, and standard rate per hour is rupees 6. So standard cost for actual production is 4160 hours into rupees 6 is equal to rupees 24960 rupees. Third one is we have to prepare the table. So actual cost nikalna hai, to actual output is 1040 units and time is 42 hours a week. Workers category wise 10, 30, 60 diya hai. Actual hours jo hai yahan par nikala gaya 420, kyunki 42 hours kaam hua, to 10 into 42 hours 420, 30 into 42 hours 1260 hours, 60 into 42 hours that is 2520 hours. So total actual hours, or hum yahan par actual hours
कह रही हूँ बेटा, लेकिन ये क्या होगा ना, एक्चुअल टाइम जो कहते थे वही एक्चुअल टाइम है और एक्चुअल आवर सेम. टोटल इज 4,200 एन आवर्स. नाउ आइडल टाइम आवर्स निकालना है. यहाँ पर कहा गया कि 5%. सो फॉर 20 आवर्स का 5% 21 आवर्स, 1260 आवर्स का 5% 63 आवर्स, एंड 2520 आवर्स का 5% 126 आवर्स. सो टोटल आइडल टाइम इज 210 आवर्स. नाउ एक्चुअल आवर्स वर्कड और AHW और एक्चुअल टाइम वर्कड ATW सेम मीनिंग. सो एक्चुअल आवर्स वर्कड इज वेरी सिंपल. वी नो द एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल टाइम पेड माइनस आइडल टाइम, दैट इज 420 माइनस 21 आवर्स इज इक्वल टू 399 आवर्स. 1260 माइनस 63 आवर्स, दैट इज 1197 आवर्स. एंड 2520 आवर्स माइनस 126 आइडल टाइम आवर्स इज इक्वल टू 2394 आवर्स. सो टोटल एक्चुअल टाइम वर्कड इज 3990 आवर्स. नाउ व्हाट इज द एक्चुअल रेट फॉर थ्री कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स. ना फॉर 10 वर्कर्स इज रुपीज 6.20 पर आवर, फॉर 30 वर्कर्स इट इज रुपीज 6 पर आवर, एंड रुपीज 60 फॉर 60 वर्कर्स इट इज रुपीज 5.70 आवर्स. सो एक्चुअल टाइम भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया. तो फाइनली क्या निकालना है बेटा, एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट हम लोगों को पता है कि एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट. सो फॉर 10 वर्कर्स एक्चुअल आवर इज 420 आवर्स इंटू रुपीज 6.20, दैट इज रुपीज 2604. फॉर 30 वर्कर्स एक्चुअल आवर्स इज 1260 इंटू रुपीज 6, दैट कम्स टू रुपीज 7560. एंड फॉर 60 वर्कर्स एक्चुअल आवर्स इज 2520 and multiplied by actual rate rupees 5.70, that is rupees 14,364. So actual cost in total is rupees 24,528. So ye jo table banaya gaya, ye table dhyan se banana hai. Labor cost variance solution mein pehla jo hai wo kya karna hai na, standard labor cost for actual output minus actual labor cost. सो यहाँ पर कितना आया, रुपीज़ 432 फेवरेबल. डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर को स्टेबल रखे हमको निकालना है. तो यहाँ पर लेबर रेट वेरिएंस आया रुपीज़ 672 फेवरेबल. डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है स्टैंडर्ड रेट को स्टेबल रख के, स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम का डिफरेंस निकालना है, वेरिएंस निकालना है. वो आया रुपीज़ 1020 फेवरेबल. सो यहाँ पर जो हम लोगों ने किए बेटा, ये पूरा टोटल के ऊपर किए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे कैटेगरीकली लेबर मिक्स दिया नहीं था, ठीक है. सो एंड द फाइनल इज लेबर आइडल टाइम वेरिएंस. सो हमने जो पहले सम्स में किए थे स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम, तो हमने इस सम्स में दिखाई कि एक टेबल के अंदर ही अब आइडल टाइम फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ वर्कर्स आप कैलकुलेट करके एक कॉलम बना सकते हो, तो फिर इजीली आप आइडल टाइम वेरिएंस निकाल पाओगे, ठीक है. तो यहाँ पर आइडल टाइम हम लोग जानते हैं इट इज़ अ लॉस टू द कंपनी, सो इसीलिए इसको एडवर्स कहा जाता है. नाउ चेक करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इक्वल्स टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडल टाइम वेरिएंस. तो यहाँ पर कितना आया रुपीज़ 432 फेवरेबल, दैट इज टैलिंग विद द सॉल्यूशन. ओके बाय फॉर दिस, दिस इज फॉर टुडे ओनली. नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और करेंगे.